आईपीएल 2024 के 55 मुकाबले कंप्लीट होने के बाद प्लेऑफ का समीकरण हुआ तय। चार टीमें पहुंचेगी इस तरह से प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस की टीम के पास भी होगा मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 के 55 मुकाबले कंप्लीट होने के बाद क्वालिफाई का समीकरण तय हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस महामुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम कौन से स्थान पर मौजूद है, कितनी नेट रन रेट है, कितने पॉइंटों के साथ ये टीमें अपनी पोजीशन पर बनी हुई है और किस तरह से मुंबई इंडियंस की टीम दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अभी भी प्ले ऑफ में अपनी जगह बना सकती है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसे एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार आपकी चार फेवरेट टीमें दमदार परफॉर्मेंस करते हुए प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करें तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस 55वें महामुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल के पूरे हाल के बारे में। तो फिलहाल आखिरी पायदान से हम बात करें तो आखिरी पायदान पर गुजरात टाइटन्स की टीम मौजूद है, जहाँ पर गुजरात टाइटन्स की टीम ने आईपीएल के 11 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट है -1.320 के साथ इस टीम ने नंबर 10 पर जगह बना रखी है, यानी कि गुजरात टाइटन्स की टीम के पास अब यहां से 3 मुकाबले बचे हुए हैं। लेकिन ये टीम तीनों मुकाबलों को जीतने के बाद भी अब प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की नहीं कर सकती है। गुजरात टाइटन्स की टीम के यहां से 1% भी चांस इस बार नहीं बनते हैं कि यह टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। तो वहीं पर नंबर 9 पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने आईपीएल के 12 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 8 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 8 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट है -0.262 के साथ इस टीम ने नंबर 9 पर जगह बना रखी है, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास भी अब यहां से बचे हुए हैं मात्र 2 मुकाबले। अगर ये टीम 2 मुकाबलों को जीत भी जाती है, फिर भी इस टीम के पास यहां से 12 पॉइंट ही रहेंगे। तो ऐसे में ये टीम अब प्ले ऑफ में अपनी जगह नहीं बना सकती है, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम भी यहां से लगभग 100% बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर नंबर 8 पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल के 11 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे। इस टीम के पास 8 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट -0.187 के साथ इस टीम ने नंबर 8 पर जगह बना रखी है, यानी कि पंजाब किंग्स की टीम के पास भी अब यहां से 3 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर ये टीम तीनों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीत भी जाती है, फिर भी यह टीम प्ले ऑफ की राह से लगभग बाहर होती हुई दिखेगी, क्योंकि इस टीम के भी यहां से मात्र 2% ही चांस बचते हैं कि अब ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। वैसे तो पंजाब किंग्स की टीम भी यहां से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। तो नंबर 7 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है, जहां पर आरसीबी की टीम ने आईपीएल के 11 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले जीते, 7 मुकाबले हारे। इस टीम के पास 8 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट है -0.049 के साथ इस टीम ने नंबर 7 पर जगह बना रखी है, यानी कि आरसीबी की टीम के पास भी यहां से 3 मुकाबले बचे हुए हैं। लेकिन ये टीम भी अब प्ले ऑफ की राह से लगभग पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आरसीबी की टीम के भी यहां से मात्र 2% चांस बचते हैं कि अब ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। यानी कि आरसीबी की टीम के भी यहां से प्ले ऑफ में पहुंचने की राह बेहद कठिन होती हुई दिखेगी। तो नंबर 6 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने आईपीएल के 11 मुकाबले खेले, 5 मुकाबले जीते, 6 मुकाबले हारे। इस टीम के पास फिलहाल 10 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट है -0.442 के साथ इस टीम ने नंबर 6 पर जगह बना रखी है, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास भी यहां से 3 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर ये टीम तीनों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीती और टॉप 4 टीम में कमाल नहीं कर पाती है, तो ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना सकती है। वैसे तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम के यहां से इस बार मात्र 10% चांस बचते हैं कि अब ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। तो इस पर नंबर 5 पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है, जहां पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने भी आईपीएल के 11 मुकाबले खेले,
छः मुकाबले जीते, पाँच मुकाबले हारे। इस टीम के पास 12 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट -0.371 के साथ इस टीम ने नंबर 5 पर जगह बना रखी है, यानी कि लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के भी यहां से 3 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर यह टीम तीनों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीती और टॉप 40 में अब अगर कमाल नहीं कर पाती है तो यह टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना सकती है। वैसे तो लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम के भी यहां से अब 30% ही चांस बचते हैं कि अब यह टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। तो यहीं पर टॉप 4 टीमों की हम बात करें तो नंबर 4 पर हैदराबाद की टीम मौजूद है, जहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने IPL के 11 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे। इस टीम के पास 12 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट +0.021 के साथ इस टीम ने नंबर 4 पर जगह बना रखी है, यानी कि हैदराबाद की टीम के पास भी अब यहां से बचे हुए हैं 3 मुकाबले। अगर यह टीम तीनों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीत पाती है तो यह टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। वैसे तो यहाँ पर हैदराबाद की टीम के पास भी अब यहाँ से चांस कटते हुए दिख रहे हैं और ये टीम भी 40% चांस के साथ अब प्ले ऑफ में अपनी जगह बना सकती है। तो यहीं पर नंबर 3 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है, जहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने IPL के 11 मुकाबले खेले, 6 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे। इस टीम के पास 12 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट +0.700 के साथ इस टीम ने नंबर 3 पर जगह बना रखी है, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के पास भी अब यहां से बचे हुए हैं 3 मुकाबले। अगर ये टीम तीनों मुकाबलों को दमदार तरीके से जीत पाती है तो ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर पाएगी। अगर यहां से इस टीम ने अपना एक भी मुकाबला गवाया तो फिर प्ले ऑफ की राह कठिन होती हुई दिखेगी, यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के भी इस बार 40% चांस बचते हैं कि अब ये टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी। तो यहाँ पर टॉप 2 टीमों की बात करें तो नंबर 2 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने IPL के 10 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले हारे। इस टीम के पास 16 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट +0.622 के साथ इस टीम ने नंबर 2 पर जगह बना रखी है, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के पास अब यहाँ से 4 मुकाबले बचे हुए हैं। अगर ये टीम 2 मुकाबलों को गवा भी देती है फिर भी प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी, यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम के यहां से अब 98% चांस है कि यह टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना लेगी। तो यहीं पर नंबर 1 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने IPL के 11 मुकाबले खेले, 8 मुकाबले जीते, 3 मुकाबले हारे। इस टीम के पास 16 पॉइंट मौजूद है। नेट रन रेट +1.453 के साथ इस टीम ने नंबर 1 पर जगह बना रखी है, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के पास अब यहां से बचे हुए हैं 3 मुकाबले। अगर ये टीम यहां से अपने 2 मुकाबलों को बेहतरीन तरीके से जीत लेती है तो यह टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के भी यहां से अब 98% चांस है कि यह टीम प्ले ऑफ में अपनी जगह बना लेगी, यानी कि राजस्थान और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का यहां से प्ले ऑफ में जाना तय हो चुका है। पर चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ और दिल्ली में से वो 2 टीमें रहेगी जो इस बार प्ले ऑफ में अपनी जगह बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या चेन्नई और लखनऊ की टीम इस बार प्ले ऑफ में अपनी जगह बना पाएगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।